नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल स्टडी मैथ नंबर वन में पुनः स्वागत है। ऐसे तो आप मेरे चैनल पर सारे वीडियो को देखते रहते हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है कि आप मेरे चैनल वीडियो को देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वो टॉपिक क्या है? तो वो टॉपिक है कि ब्रीथ। ब्रीथ क्या होता है, ब्रीथ में कौन किसको क्या बोला जाता है, आज ब्रीथ का मैं पूरा जानकारी दूंगा। एक क्लास नाइन्थ का है, ब्रीथ का टोटल परिचय दूंगा। वास्तव में ये पूरा जानकारी दस में पढ़ना है, लेकिन नाइन्थ में भी दिया है। तो चलिए आपको ब्रीथ की जानकारी कुछ देते हैं और आपको सिखाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पर अभी तक मैं क्लास वन से एट क्लास तक पूरे मैथ का वीडियो चैप्टर वाइज बना कर रख दिया हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे वीडियो को देखिए। वीडियो में कोई प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए ताकि मैं उसकी जानकारी दे सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ का परिचय। सबसे पहले जानेंगे ब्रीथ कहते किसे हैं। तो किसी तल में बिंदुओं के समूह द्वारा, जैसे इस तरह से इसे बहुत सारे बिंदु आप ऐसे डॉटेड करेंगे तो बहुत सारे इसको मिलाएंगे तो क्या करेंगे, एक वृत्त क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, वक्र रेखा बन जाएगा। तो इन वक्र रेखाओं से जो एक आकृति बनता है उसको वृत्त कहा जाता है। वास्तव में थोड़ा सा फिगर स्पष्ट नहीं हुआ है, एक बार और आपको बता देते हैं इस तरीका से। अब ये पूरा परफेक्ट कुछ बन गया है। तो वृत्त जो होता है बिंदुओं के समूह द्वारा किसी तल में जो आकृति बनती है उसको वृत्त कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए, बिंदुओं के समुच्चय द्वारा किसी तल में जो आकृति बनती है उसको वृत्त कहा जाता है। वीडियो को रोक रोक करके इसको लिखिएगा। इसमें किसको क्या बोला जाता है, आइए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं यहाँ ए रख देते हैं, इसको बोलते हैं त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या ओ ए होगा, ओ से ए तक के बीच की दूरी को अगर आप इसको टोटल मिला देंगे, इसको बी नाम दे देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा व्यास, जिसको ये बी बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो लाइनें देख रहे हैं, ऐसे आप देख रहे हैं, इसको आप जो है इसे लाइन बोले, इसको चाप बोलते हैं। ये वाला एक बार और रिपीट कर देते हैं, ये टेढ़ा लाइन जो है यहाँ तक, इसको चाप बोलते हैं। इस चाप पर कोई भी दो बिंदु को आप मिलाइएगा, एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं कि आप दोनों बिंदुओं को मिला दीजिएगा, तो ये सी इसका डी नाम दे देते हैं, इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा। इस तरीका से वृत्त पर जानकारी है। आपको जितना भी इसमें था, कौन क्या होता है, क्या किसका नाम होता है, मैं सारी चीज़ बताया। इस पर आने वाला स्वयं है वृत्त पर मैं बहुत क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन लेकर आएंगे, इससे बहुत सारे सूत्र होते हैं वो भी बताएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।